नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। विदेशी का अर्थ जरूरी नहीं कि सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए, भागवत। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि स्वदेशी का अर्थ जरूरी नहीं कि सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल ऐसे उत्पादों का आयात किया जाएगा जिसकी देश में पारंपरिक रूप से कमी है या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास विदेश से क्या आता है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी शर्तों पर करना चाहिए। सारी दुनिया से जो अच्छा है हम लेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी स्वदेशी यानी विदेश का जो कुछ है सबका बहिष्कार ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जो उपयुक्त है हमारी शर्तों पर हम सब लेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले टूटा पुल का अप्रोच रोड। बिहार में एक बार फिर से एक पुल का अप्रोच रोड उद्घाटन से पहले ही टूट गया। मामला गोपालगंज से जुड़ा है, जहां बंगरा घाट महासेतु के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार 12 अगस्त को उद्घाटन करने वाले थे। इस महासेतु का अप्रोच रोड करीब 50 मीटर के दायरे में ध्वस्त हो गया। ध्वस्त अप्रोच रोड का उद्घाटन से पहले दोबारा दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अप्रोच रोड 12 दिन पहले ही टूटा था। इस टूटे अप्रोच रोड पथ को दोबारा गाड़ियों के आने जाने लायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जब बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के डिप्टी चीफ इंजीनियर शाकिर अली से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे एक सामान्य घटना बताया। उन्होंने कहा कि महासेतु के निर्माण और इसके साथ अप्रोच रोड के निर्माण में किसी भी तरह का घटिया काम नहीं किया गया है। H-1B वीजा के कुछ नियमों में ढील देने का ऐलान, जानिए किसे होगा फायदा। अमेरिका में नौकरी कर रहे भारतीयों के लिए बड़ी खबर आई है। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के कुछ नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अमेरिका में काम कर रही कंपनियां अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती हैं, तो कर्मचारी H-1B वीजा लेकर ही अमेरिका में किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। भारत से बड़ी संख्या में IT प्रोफेशनल्स H-1B वीजा के साथ अमेरिका में काम करने जाते हैं। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन लोगों में वीजा धारक की पत्नी और बच्चों को भी उनके साथ अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के सलाहकार ने बताया कि जो भी आवेदक अमेरिका में अपनी पुरानी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन करेगा, उन्हें H-1B वीजा की कुछ शर्तों से राहत दी जा सकती है। मंदी की चपेट में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, लॉकडाउन के कारण हुए हालात खराब। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे तिमाही में GDP में 20.4% की कमी आई है, जिसके साथ ही अर्थव्यवस्था आधिकारिक रूप में मंदी की चपेट में आ गई है। ब्रिटेन में लगातार 2 तिमाही के दौरान नकारात्मक विकास दर होने पर अर्थव्यवस्था को आधिकारिक रूप से मंदी की चपेट में माना जाता है। ब्रिटेन की सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को खोलने और कामकाज को आसान बनाने के चलते आगे सुधार होगा। कांग्रेसी प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन, राहुल बोले, पार्टी ने बब्बर शेर खो दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 52 साल के थे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दुख जताते हुए कहा कि त्यागी विचारधारा के प्रति समर्पित नेता थे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने आज अपना एक बब्बर शेर खो दिया है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि गाजियाबाद के वैशाली में अपने आवास पर एक TV परिचर्चा में भाग लेने के कुछ ही देर बाद त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वे बच नहीं पाए। BHU कोविड अस्पताल में घोर लापरवाही, अपने चिकित्सा अधिकारी का ही शव दूसरे शव से बदल दिया। कोरोना काल में BHU में लापरवाही के कई किस्से सुनने और देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वह कुछ शर्मसार करने वाला है। बुधवार को BHU के कर्मचारियों ने लापरवाही की सभी हदें पार करते हुए कोरोना संक्रमित मृतक की लाश लेने पहुंचे परिजनों को दूसरे की लाश सौंप दी। ये लापरवाही किसी और के साथ नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के दूसरे नंबर के अधिकारी के शव के साथ हुई। BHU प्रशासन ने इस पर सफाई दी और कहा कि इस घटना की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.